दोस्तों कैसे आप लोग। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपसे कमेंट किया था कि मैं हर एक संडे जॉब लेके आऊँगा और बहुत सारा ऐसी प्रॉब्लम होती है, सर्च करना पड़ता है कि जॉब की वैकेंसी कहाँ चल रही है। तो दोस्तों आज मैं फाइनली आपके लिए वैकेंसी लेके आया हूँ। तो जी मैं दोस्तों तब तक आप क्या कीजिए दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ दोस्तों ताकि आपको, अगर मान लो अभी आप ये जॉब कर रहे हो, कल के टाइम में आपको जॉब सर्च कर रहे हो, कहीं आपको छोड़ना है, तो आपको क्या होगा कि उस टाइम आपको पता नहीं चलेगा कहाँ वैकेंसी चल रही नहीं चल रही। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में एक नोटिफिकेशन में घंटा होगा उसको दबा दीजिए। होगा क्या कि जैसे क्या आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आप अपना जॉब को चेंज करना चाहते हैं, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगी कि यहाँ पर वैकेंसी चल रही है। वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपना इंटरव्यू दे सकते हैं, रिज्यूम दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप अपना जॉब करते हुए दूसरा जॉब पे में ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ से। जो जी दोस्तों तब तक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके जरूर भेजिए कि आपको किस टाइप का जॉब चाहिए, कहाँ चाहिए, तो मैं आपका उस पर रिस्पॉन्स दूंगा। जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा वीडियो लाने के लिए। तो आज मैं दोस्तों लेके आया हूँ, जॉब का नाम है सिक्योरिटी गार्ड। जैसे आपको पता ही, सिक्योरिटी गार्ड जो है वो एक कंपनी है। कंपनी का नाम बता देता हूँ आपको, क्या नाम है कंपनी का। तो दोस्तों ये कंपनी का नाम है जी फोर एस एक कंपनी है। ये क्या करती है दोस्तों, सिक्योरिटी का एक डील करती है। और ये जो कंपनी है इनका स्पॉन्सरशिप है, ये मतलब हिंद क्लाइंट सॉल्यूशन के थ्रू आप इसमें ज्वाइनिंग कर सकते हैं। और जो जॉब लोकेशन होगा ये होगा गुड़गांव में, गुड़गांव हरियाणा, जो आपको दिल्ली से सटा हुआ है, महिपालपुर के आसपास है, महिपालपुर से अंदर जाएंगे उसमें। इसमें 500 प्लस सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 500 प्लस सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, जिसमें आपको सैलरी मिलेगी 15,000 प्लस से ले के ऊपर कुछ भी जा सकता है, जैसे 15, 20, 18 ऐसे है। उस पर अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, अगर आप फ्रेशर है तो आपको 18,000 सैलरी मिलेगी। उस पर क्या होगा, सीटीसी कट फिट के सारा कुछ आपको 15,000 हाथ में मिलेंगे एंड इन हैंड मिलेंगे। जी हाँ, 15,000 मिलेंगे। अगर आप कहीं सिक्योरिटी गार्ड में एक्सपीरियंस है, कहीं भी आपने काम किया है, तो आपका सैलरी बढ़ सकती है, 20, 25, 30 तक जा सकती है इसमें, अकॉर्डिंग टू आपका एक्सपीरियंस। और इसमें दोस्तों आपको सबसे बड़ी चीज़ आपको याद रखना है कि इनमें जो हाइट होना चाहिए 5'7" हाइट होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका हाइट 5'7" है तो ही आप इस जॉब के लिए अप्लाई कीजिएगा। अगर 5'6" भी है तो आपका वहाँ पर नहीं होगा एडमिट, भर्ती आपको नहीं होगा वहाँ पर। और ये जो है आप नीचे देख रहे नंबर चल रहा है आपको, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, आप अपना यहाँ पे रिज्यूम दे सकते हैं, व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं। कॉल करके सिंपल आपको क्या करना है, बोलना है कि मेरे को सिक्योरिटी में जॉब करना है। आप अपना एड्रेस बताइए, लोकेशन बताइए और आप अपना क्वालिफिकेशन बताइए। क्वालिफिकेशन याद रखिए 10th पास होना चाहिए। क्वालिफिकेशन अगर आप 10th पास है तभी आपको, क्योंकि वहाँ पर होता क्या है, अगर आपका जॉब कर रहे कहीं पर, आपको कुछ पढ़ने आना चाहिए, कुछ 10 लाइन इंग्लिश में लिखने भी आना चाहिए, तो ही आप वहाँ अप्लाई कीजिए। अगर आप 8th पास है, 6th है 7th है, तो आप अप्लाई नहीं कीजिए। इस पर मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए, हाइट जो है 5'7" होना चाहिए, और सैलरी जो मिलेगी आपको, मिनिमम सैलरी जिनका वेजेज है 15,000 रुपया सैलरी है इनका, ठीक है, उससे ऊपर कुछ भी जा सकता है, अकॉर्डिंग टू आपके एक्सपीरियंस के भी यहाँ पर आपको सैलरी दिया जाएगा वहाँ पर। जॉब लोकेशन मैंने आपको बताया गुड़गांव हरियाणा का, नाम सुना ही होगा, मुझे दिल्ली सटा हुआ है, वहाँ पर रहेगा। तो आपको मैं बता दूं कि सिक्योरिटी का जो वर्क होगा कहाँ कहाँ होगा, तो दोस्तों इसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि कॉर्पोरेट ऑफिस, जो बड़ा बड़ा ऑफिस होता है, मल्टीनेशनल ऑफिस होता है, वहाँ पे जैसे बड़ा बड़ा गेट पे गार्ड चाहिए, वहाँ पे चाहिए मिल आपको जॉब लग जाएंगे। जैसे बड़ा बड़ा कंपनी हो गया, जैसे बड़ा बड़ा हॉस्पिटल हो गया, वहाँ पर लग सकता है। बड़ा बड़ा मॉल हो गया, मॉल पर आप देखते होंगे जैसे एंट्री गेट पर जाएंगे जैसे ही, तो वहाँ पर सिक्योरिटी आपका चेकिंग करते हैं पहले, तो मशीन से पूरा चेकिंग करेंगे आपके अंदर अनवांटेड कोई सामान तो नहीं है, मेटल प्रोडक्ट को नहीं ले जाकर जा रहे अंदर। तो वो जो है जितना भी मॉल में सिक्योरिटी लगेगा वो आपको यहाँ से लगवाएंगे, जो कंपनी थ्रू आप जाएंगे। तो ये 4-5 है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री हो गया, जैसे बड़ा बड़ा फैक्ट्री है वहाँ पर वेयर हाउस है, जैसे वेयर हाउस अगर माल आ रहा है वहाँ पर 10-15-20 ट्रक रोज आते हैं माल, वहाँ से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, तो वहाँ पर भी लगे। ये कंपनी क्या करती है, लोकेशन आपका गुड़गांव ही रहेगा, पूरा ऑल ओवर गुड़गांव, दिल्ली NCR में गुड़गांव के आसपास जितना भी एरिया टच में है वहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। तो आपको 500 प्लस सिक्योरिटी गार्ड चाहिए। और आप अगर इसमें जाना चाहते हैं, आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसमें नंबर पर आप कॉल कीजिए, सबमिट कीजिए, रिज्यूम अपना डालिए। आपको मैं एड्रेस भी बता देता हूँ आपको, सारा कुछ एड्रेस यहाँ पे चल रहा है, देखिए वीडियो में ये एड्रेस है, इस एड्रेस पे कॉल कीजिए आप अपना। अगर किसी भी तरह का आपको इशू होता है, आपको मान लीजिए कभी आपसे
कुछ कमिटमेंट किया, आपको जॉब नहीं लगती, तो आप हमें ज़रूर कमेंट कर सकते हैं और कमेंट करने के बाद आपको मैं वहाँ से रिस्पॉन्स करूँगा। और एक चीज़ दोस्तों आपको और जाते जाते मैं बता दूँ आपको कि जो भी आप इसमें जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, जिनको ये जॉब नीड है, कृपया आप वही कॉल कीजिए। ये ओनली और ओनली सिक्योरिटी गार्ड का है, बैक ऑफिस के नहीं है, ओनली गार्ड के लिए है। इसमें वन मंथ का ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग में आपका सैलरी चालू होगा, लेकिन वन मंथ में ट्रेनिंग के दौरान आपको क्या होगा, खाना पीना सारा कुछ कंपनी की तरफ से देगी, इसका कोई चार्ज नहीं है। वन मंथ का भी होता है, 15 दिन भी होता है, जितना दिन का होगा उसमें आपको खाना पीना सारा कुछ फ्री मिलेगा, पीएफ मेडिकल ईएसआई सब कुछ मिलेगा। और ये कुछ इसमें है कि अगर इंसेंटिव, अगर मान लीजिए आपको कभी कुछ आपके साथ हो जाता, हादसा हो जाता है, इसमें आपको 75,000 एक लाख के आसपास उसको कंपनी की तरफ से आपको पेमेंट दिया जाता है। अगर कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट अगर कुछ भी हो गया, इन्होंने हो गया, तो उसमें दिया जाएगा। वो आप जब जाओगे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए, वो सारा कुछ आपको वहाँ पे बताया जाएगा। मैं आपको कंपनी का डिटेल बता दिया, सैलरी बता दिया, जॉब लोकेशन बता दिया। अब आपको ये जो नंबर आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर चल रहा है, इस नंबर पर आप कॉल करके जाइए उनसे और बोलिए कि मैंने आप ऐसे ऐसे आपका ऐड देखा था और वहाँ से आया था। और जाते जाते दोस्तों अगर आप ज्वाइन करते हैं सिक्योरिटी में, इसमें क्या होगा, 2,000 रुपीज आपको एज ए सिक्योरिटी जमा करना होगा, जिसमें आपको ड्रेस मिलेगा, 2 सेट ड्रेस मिलेगा, शूज मिलेगा, और सिक्योरिटी का जो ड्रेस होगा वो होगा। जैसे आप ये ज्वाइन करने के बाद अगर आप जॉब करते हैं 3 मंथ्स या 6 मंथ के बाद, आपको एक लेटर मेल करना होगा कंपनी के एड्रेस पर, और वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने किया है वो आपका सैलरी के साथ ही आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। इसके लिए आपको ज्वाइनिंग के लिए आपको क्या क्या लेना होगा, एक रिज्यूम लेके आना होगा, एक आपको रिज्यूम, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और आपका 10th का मार्कशीट लेके आना है, ओरिजिनल फोटोकॉपी दोनों, 4 फोटोग्राफ्स लेके आने हैं, रिज्यूम लेके आने हैं, बैंक की पासबुक लेना है जिसमें आप सैलरी लेंगे, वो सब लेके आपको ऑफिस में आना है। और दिया हुआ नंबर पहले कॉल करके आइए, क्योंकि क्या है कि आपको ये नहीं पता है कि आपको आप देख रहे हैं वैकेंसी, ठीक है। अब इसमें 500+ सिक्योरिटी गार्ड है, ओनली गुड़गांव के लिए है। तो ये सब दोस्तों आप पूरी तरह से ध्यान से आप देख लीजिए, आप ये सिक्योरिटी मत भूलिएगा। अगर आपको सिक्योरिटी पे नहीं कर सकते तो पहले कंपनी से बात कर लीजिए आप कि क्या ये मेरा सैलरी में सजेस्ट हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर सैलरी में सजेस्ट हो जाता है तो कंपनी आपको बताएगी, तो आप पहले कॉल कर लीजिए दिया गया नंबर पे, उसके बाद ही आप आइए यहाँ पे इंटरव्यू के लिए, और ज्वाइनिंग करने के बाद अपना ड्यूटी कीजिए। और इस चैनल को हमेशा दोस्तों आप क्या कीजिए, देखते रहिए, इससे होगा क्या दोस्तों आपको। अब मान लीजिए अभी आप सिक्योरिटी का जो जॉब कर रहे हैं, कहीं आपके लिए आप चाहते हैं ऑफिस वर्क करो और ऑफिस का जॉब देख रहे हैं वहाँ पे, तो होगा क्या कि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कहाँ वैकेंसी चल रही है, आप वहाँ पे कंटिन्यू जॉब करते रहिए और दूसरी जगह इंटरव्यू दीजिए। उससे होगा क्या आपको कि आप पर जॉब करते करते अगर दूसरी जगह जॉब लग गया तो आप फिर वहाँ पर रिजाइन मार सकते हैं। आप जॉब को छोड़ दिए हैं, अब आप जॉब देख रहे हैं, फिर सर्च कर रहे हैं यूट्यूब, उसमें क्या होगा दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा। इसीलिए आपको मैं बोलता हूँ कि जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो दोस्तों आप कॉल कीजिए, कोई तरह का इशू होता है तो कमेंट कीजिए। अब मैं हर एक संडे लेके आऊँगा एक वीडियो जॉब के लिए। बाकी दोस्तों बीच बीच में आप लोग से जैसे होगा थंबनेल वगैरह लगते रहता है, उनको कमेंट होगा तो रिस्पॉन्स तो मैं देता हूँ। तब तक मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो, क्या आपको रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाई है, नहीं हो पाई है, आप मुझे कमेंट कीजिए किस टाइप का जॉब चाहिए, आप कहाँ से बात कर रहे हैं। अब मैं लाऊंगा लोकेशन वाइज जॉब लेके आऊँगा, हर एक लोकेशन का अलग अलग। आगे गुड़गांव का है, अब अगला मैं लेके आऊँगा नोएडा का, तो नोएडा में क्या वैकेंसी है, वैकेंसी सर्च करके फिर आपको मैं बताऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार, गुड नाइट, बाय बाय।